अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मैं फैज़ान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग। दोस्तों आज हम ट्रैवल कर रहे हैं सवात से लाहौर के लिए, और आज मैं आपको डाइवो की इस जर्नी का रिव्यू दूंगा, और ये बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी में देखिएगा। जैसे कि हम सवात आए हुए थे, तो सवात में आज संडे था और बीच सीजन जा रहा है, जिसकी वजह से हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी डिफरेंट कंपनीज में, लेकिन वैसा मौजूद हैं। इनको आपने पहले एक वीडियो में देखा होगा, मिस्टर रिजवान साहब जो कि डाइवो एक्सप्रेस फैसलाबाद में हुआ करते थे, ये आप सवात में डीएम मैनेजर यहाँ पे डीएम है, तो इनकी वजह से इनकी कॉपरेशन की वजह से हमें यहाँ पे टिकट मिली है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के डीएम्स की पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जरूरत है, ताकि वो ग्रोथ कर सके, इस तरह की जरूरत है। तो इनकी वजह से आज हम ट्रैवल कर रहे हैं डाइवो एक्सप्रेस पे समाज से लाहौर के लिए, तो उसका भी आपको हम रिव्यू करवाएंगे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वैसे ये सवात का टर्मिनल है डाइवो का, मैंने काफ़ी डाइवो के टर्मिनल्स देखे हैं। तो डाइवो के टर्मिनल्स की खास बात ये होती है कि एक तो प्रॉपरली मैनेज होते हैं इनके, मतलब काफ़ी खुला डुला सिस्टम होता है, बाकी टर्मिनल्स की तरह कंजेस्टेड नहीं होते, और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन प्यारे बहुत होते हैं। ये वाला डाइवो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बस टर्मिनल है। मैं आए आप कैमरा मैन को कहूँगा मुझे दिखाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों के दरमियान पीछे दरिया है, सवात का बाईपास रोड पे है, तो काफ़ी प्यारा व्यू आता है। ट्रैवल करने का भी मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपकी ट्रैवल जर्नी में एक जॉय ऐड करते हैं। वो मतलब ना टर्मिनल लोकेशन बहुत अच्छी है, रही हमेशा से अच्छी रही है। तो डिपार्चर का टाइम हो गया, आए हुए अभी यहाँ से 12 बजे का टाइम है, ये वाली बस है BH120 है, इस पर हम डिपार्चर यहाँ पे हमारा होने वाला है, और बस के बारे में भी आगे आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम है। सोवेस इसे मेरे साथ मौजूद है मिस्टर शुएब फ्रॉम डाइवो एक्सप्रेस सवात। यहाँ से हम डिटेल्स लेते हैं कि सवात से किस तरह की सर्विसेज चल रही हैं, क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? सर ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले बताइएगा कि सवात से किन किन शहरों के लिए आपकी सर्विसेज जा रही हैं? सवात से तो वैसे डायरेक्ट जो सर्विस है सवात टू लाहौर, पेशावर और पिंडी की डायरेक्ट सर्विस है। ठीक है, वैसे कनेक्टिंग और टिकट भी हम दे सकते हैं सवात से, मतलब अनवर्ड पिंडी और पिंडी से भी अनवर्ड लाहौर, और पिंडी पिंडी से फिर अनवर्ड, मतलब ये कि मुल्तान और कराची, मतलब कनेक्टिंग टिकट हम दे सकते हैं। सही, मतलब उसका एक सोल्यूशन भी आपने निकाला हुआ है। और यहाँ पर कितने डिपार्चर्स होते हैं आपके डेली? डिपार्चर डेली से तो पेशावर की 2 गाड़ी जाती हैं, और रावलपिंडी 3 गाड़ी हैं, और लाहौर के लिए 2 गाड़ी जाती है सर। ठीक है, ये आपकी जो टर्मिनल लोकेशन है काफ़ी प्यारी है सवात में, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को लोकेशन बता दें, एग्जैक्ट लोकेशन सवात में क्या है? जो हमारा लोकेशन है सवात टर्मिनल का, न्यू टर्मिनल हमारा यहाँ इंगर रोड चौक के बाईपास रोड पे है सर। ठीक है जी, इंगर रोड चौक में सर। सही सही, बाईपास रोड। अच्छा, यहाँ पे फेयर्स के बारे में भी बता दें, लाहौर का भी बता दें, पेशावर का, एंड देन और भी अगर कोई है। लाहौर का फेयर अभी चल रहा है सर जी, अभी मतलब फ्यूल प्राइस कम हो गया तो 2150 रुपये हो गए सर। ठीक है, और पेशावर है सर जी, पेशावर का फेयर हो गया आपको 2130 रुपये। ठीक है जी जी, और रावलपिंडी फेयर हो गया 800 रुपये सर। सही सही, चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। तो बस में आके मैं बैठ चुका हूँ, ये डाइवो की BH120 है। इसकी जो सीटें हैं डाइवो की, ये भी जो सीटें हैं ये शुरू से ही मतलब काफ़ी लोगों को पसंद है, और मुझे भी अक्सर पसंद आती हैं, क्योंकि मतलब डिफरेंट होती हैं, वेरिएशन है इसमें, लेकिन ये आज वाली हमारी बस की अच्छी है। स्पेस काफ़ी, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, एंड देन सीट वैसे भी नरम है। तो मेरी थोड़ी सी यहाँ पर इसके बारे में मैंने सोचा हुआ था कि तंग बस होगी, लेकिन डाइवो हर चीज़ पे होमवर्क करके काम करती है, तो उस वाले से डाइवो ने इसको अच्छा रखा है, सवात से लाहौर जस्टिफाइबल।
अभी टर्मिनल से निकलते साथ बस फिलिंग करवा रही है, देखते हैं कितने की फिलिंग होती है इस पर। अभी तक 23 लीटर हो चुके हैं। सो तकरीबन 3,62,000 का इसमें डीजल भरा है, 150 लीटर। सवाद से लाहौर के रूट पे जब आप जाते हैं तो वो बड़ी को टर्मिनल आता है रास्ते में, ये पहला शॉप है। जो लोग यहाँ से बोर्ड होना चाहते हैं, मतलब अगर कोई मेरे व्यूवर्स हों तो वो यहाँ से लोअर ट्रैवल कर सकते हैं, डायवो पे डायवो की सर्विस जा रही है। तो अभी तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और हमारा बट खिला पे सोप हुआ है। ये डायवो का टर्मिनल है, यहाँ से बस 2 मिनट में बस निकलने वाली है। ये भी काफ़ी प्यारी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान में साथ यहाँ पे इनका CNG स्टेशन है। तो डायवो के बारे में, बस के बारे में ये अपना थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा कि बसेस में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक ये जो रूट है, आप टूरिज्म को प्रमोट अगर करना चाहें तो यहाँ पे अच्छी बसेस होनी चाहिए लाइक दूसरी कंपनीज की तरह। ये भी ठीक है, बस ये वाली भी अच्छी है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी टर्मिनल्स डायवो के बेस्ट हैं, हर टाइप का टर्मिनल बेस्ट है। डायवो बस सर्विस बहुत अच्छी है, इनका स्टॉप बहुत कोऑपरेटिव है। और तो बस थोड़ी सी ये वाले रूट पर ना बस थोड़ी अपग्रेड करनी चाहिए, जो जैसे लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान के लिए इन्होंने अपग्रेड की हुई है, इनोवा चलाई हुई है, काफ़ी ड्रैगन चलाई हुई है, इधर भी ऐसे चलानी चाहिए। और ये वाली स्किप करनी चाहिए और न्यू बसेस चलानी चाहिए। बाकी ये ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट की कंपनी होती है। कितने वाली इधर रखिए, 10, 20, 25, 26 और 1 रुपये का, 27 रुपये की चीज़ें मिली हैं हमें, 2,250 की टिकट में। वाह,
हमने वैसे सुना था कि बारिश आता है और पानी आता है, लेकिन ये डाइवो बस में बारिश के बगैर भी पानी आता है। ये देख एसी में से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी फैज़ान। दोस्तों हाँ, आज हम ट्रैवल कर रहे थे सवात से लाहौर के लिए डाइवो की बस पे। तो यहाँ पर मेरी एक सजेशन है डाइवो के बारे में, और थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये अभी हम पेशावर मोटरवे पे हैं, और डाइवो की जो बस है उसका डीज़ल लीक करना शुरू हो गया है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर ये है कि मेरा मकसद डाइवो को डिग्रेड करने का नहीं है, इसका मकसद ये है कि ये डाइवो को चाहिए कि अपने मतलब इस तरह के जो फेमस रूट्स हैं, लाइक पीक सीज़न चल रहा है टूरिज़म का, इसमें टूरिस्ट बहुत जाते हैं सवात में, तो उसमें आपको चाहिए कि आप कोई अच्छी सर्विस मतलब अच्छी बस। यहाँ पर जैसे आपके पास नोवा की बसेज़ हैं, आपके पास ड्रैगन की बसेज़ हैं, आपके पास मज़ीद और दूसरी बसेज़ हैं, आप उनको इस रूट पर लेकर आएँ। लेकिन आपने इतनी पुरानी इस बस इस रूट पर रखी हुई है, तो इस चीज़ पर डाइवो को वर्कआउट करना चाहिए। इतना बड़ा ब्रांड है, कोई फॉरनर अगर इस रूट पर ट्रैवल करता है तो वो क्या सोचेगा। सो ये देखें, लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस टाइम काफ़ी धूप है, एंड यहाँ पर भी हम वेट कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ से कोई बस रिप्लेस होगी क्या होगा। लेकिन डाइवो को इस चीज़ पे एक मतलब काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत ब्रांड वैल्यू ख़राब हो रही है डाइवो की। ये डाइवो कंपनी के लिए मेरी सजेशन है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये हम हैं, ये डाइवो बस है, और इस टाइम हम सवात से लाहौर आ रहे हैं। डाइवो बस ख़राब हो गई और हम रोड पे दलील हो रहे हैं। जहाँ से फिलहाल तरीके से जा रहे हैं, अभी दूसरी बस रुकी है जो कि हमें पानी देगी। यहाँ पे डाइवो की मतलब मुख्तलिफ बसेस रुक रही हैं और हमें पानी दे रही हैं। आपको ताज़ा ट्रेन सूरत्याल से आगाह कर सकते हैं। सीटें हुए तो ये ड्राइवर अच्छा था, है तो बस सानिया की, लेकिन उसने रोक लिया हमें देख के। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। अभी डाइवो की बस खराब थी, तो सानिया की बस गुजर रही थी, तो मतलब ड्राइवर मतलब इंसानियत थी, उसने रोक के हमें पानी दिया। ये कौन सा टाइम है? 11 बजे रोशनी ये क्या?